जिस वक्त नई दिल्ली या G20 समिट को आयोजित करने के लिए सज धज कर तैयार है, शहर को घेरे हुए शानदार सजावट के बीच एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने लायक है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर G20 समिट के आयोजन स्थल यानी कि प्रगति मैदान तक हमको G20 के स्वागत और सूचना के पोस्टर दिखते हैं, पर ये किसका स्वागत किया जा रहा है? इसका आदर्श उत्तर होना चाहिए कि अन्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बजाय इसके हमें हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं। नमस्कार, मैं कशिश सिंह और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति को पूरे शहर के हर मार्ग की हर प्रमुख लोकेशन में साफ तौर पर चिन्हित किया गया है। इसके अलावा उनके चेहरे का उपयोग G20 समिट के लिए लगभग हर तीसरे पोस्टर में किया जा रहा है। बिलबोर्ड, बाजार की दीवारें, पैदल मार्ग, ऑटो रिक्शा, पुल, सार्वजनिक शौचालय और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के अलावा किसी और नेता के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी बाहरी या भारतीय नेता के लिए। जबकि दरअसल स्वागत दुनिया भर के देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का हो रहा है। ये कैसा अतिथियों का स्वागत है जिसमें उनकी कोई उपस्थिति किसी पोस्टर में नहीं है। अब आइए 2022 में आयोजित की गई G20 समिट पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इस समिट के दौरान उपस्थित अतिथियों के स्वागत करने के लिए किसी नेता के चेहरे का कोई पोस्टर नहीं देखा गया था। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विदोदो या किसी और नेता का चेहरा दिखने वाला कोई होर्डिंग या बिलबोर्ड कहीं नहीं था। यही हाल इसी तरह रोम, इटली में था जब उन्होंने 2021 में G20 मीटिंग का आयोजन किया। लेकिन भारत में ये सब प्रमोटिंग और ब्रांडिंग प्रधानमंत्री के लिए है। हमेशा की तरह हर बात का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देते हुए, जैसा कि उन्होंने भारत में G20 समिट का आयोजन करवा दिया है और ऐसा करके कुछ विशेष या अद्वितीय किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करने की वही रणनीति है जहाँ वो हर बार कुछ ऐसा करते दिखे जो कोई और ना कर सका। इसलिए वो खुद ही नई दिल्ली में 2 दिनों की G20 समिट का चेहरा है। स्पष्ट रूप से वो भारत को विश्व गुरु कहलवाने की स्वघोषित कहानी के प्रचार में लगे हुए हैं। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव उनके लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसको साधने के लिए वो इस अवसर का भी इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। यहाँ समझने के लिए एक बात जरूरी है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलनी ही थी। ये प्रधानमंत्री मोदी या उनके विदेशी संबंधों के कारण नहीं है कि इससे पहले भारत को ये अध्यक्षता नहीं मिली। हर साल 20 देशों का समूह एक देश का चयन करता है कि वो G20 समिट की अध्यक्षता और आयोजन करेगा। ये विचार 2010 में जब दक्षिण कोरिया ने अध्यक्षता की थी तो प्रस्तुत किया गया। 2009 और 2010 को छोड़कर G20 ने आमतौर पर सितंबर से नवंबर के बीच एक वार्षिक समिट आयोजित किया है, जबकि 2009 और 2010 में एक वर्ष में 2 समिट होते थे। हरे पर्दे के पीछे गरीबी छिपाना और अपने चेहरे को दुनिया भर के नेता के रूप में प्रमोट करना मोदी की रणनीति है, जिसे वे लगातार अपनाते आए हैं, लेकिन वास्तविकता को विदेशी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। एक सिंगापुरी पत्रकार का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। टीवी इंटरव्यूअर के साथ बात करते समय CNBC पत्रकार मार्टिन सुंग, जो न्यू दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि G20 कॉन्फ्रेंस वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत द्वारा मुद्दे से भटक सकती है। पत्रकार के बोलने पर सुना जा सकता है कि हम ये चर्चा कर सकते हैं कि विपक्ष और अन्य लोग नरेंद्र मोदी पर इस मौके को चुनाव के पूर्व अभियान के रूप में उपयोग करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। भारत में लगभग 8 से 9 महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। G20 के लिए PM मोदी के चेहरे के एडवर्टीजमेंट करने के संदर्भ में उन्होंने कहा, हमने चर्चा की कैसे नई दिल्ली की सड़कों पर PM मोदी के चेहरे का कुछ हजारों पोस्टरों के जरिए विज्ञापन किया जा सकता है। हर कुछ मीटर के आसपास ये विज्ञापन लगे हुए हैं। वहीं ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने हाल ही में न्यू दिल्ली में गरीबी को छुपाने के लिए बनाए गए प्लास्टिक से लंबी हरी दीवारों की चर्चा की, जिन्हें G20 मीटिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी को सजाने के लिए एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। G20 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर वैश्विक आर्किटेक्चर और गवर्नेंस को मजबूत करता है। लेकिन जिस तरीके से PM मोदी ने भारत में इसे प्रस्तुत किया है, ये चिंताजनक है।
उन्होंने अपने विशालकाय पोस्टरों के साथ दिल्ली को सजाया है, लेकिन G20 के मकसद पर अपनी किसी बातचीत और भाषण सहित इन पोस्टरों में भी कुछ नहीं कहा है। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक भी करें।